वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अभी जो आपने प्रीव्यू में स्टेटस देखा जो कि काफी कमाल का लग रहा था, उसे आज हम क्रिएट करने वाले वीएन एडिटर के अंदर बहुत ही इजी ट्यूटोरियल होगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा, हर एक पीएनजी को कहां से डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, सभी बता देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वीएन एडिटर को ओपन करना है, देन प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन फोटोज वाले सेक्शन में आना होगा और अपना फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस वाले फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करते तो फोटो ऐड हो गया। ठीक है, फोटो ऐड हो जाए देन उसके बाद ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना एंड 4:5 को मस्ट है कि आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी पीएनजी देने वाला हूँ सारा इसी के बेस्ड है, तो 4:5 को आपको सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में आना एंड इसे कर देना डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर से प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करना है, फिर से फोटो में आना एंड फिर से सेम फोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है ना। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले वो जो व्हाइट वाला एनिमेशन है वो ऐड करना है। उसे ऐड करने के लिए ये जो आपको ट्रांजिशन का प्लस बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे व्हाइट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करेंगे एंड इसका ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ, देन डन करते तो ये हमारा एनिमेशन बन गया। ओके, एनिमेशन बन गया, देन इसमें हमें थोड़ा सा की फ्रेमिंग करना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, की फ्रेम एक यहाँ लगा देंगे हम एंड एक फोटो के बिल्कुल लास्ट में लगा देंगे। ओके, तो फोटो के लास्ट वाले को तो कुछ नहीं करना है, बट स्टार्टिंग वाले में आना है एंड यहाँ पे इसे आपको थोड़ा सा अपने फिंगर से जूम करना होगा। ठीक है, तो जूम करोगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा, देख सकते हो। ओके, इस तरीके से बन गया। देन इसमें आपको एक और एफएक्स ऐड करना तो काफी सही लगेगा, सो एफएक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक जूम इन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसका मैक्सिमम जितना टाइमिंग हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है उतना कर देना, देन डन करते तो देख सकते हो ये स्टार्टिंग वाला एनिमेशन हमारा बन गया। अब इसमें हमें जो भी चीजें करनी वो नेक्स्ट एडिटिंग है, तो उसे करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको एक लाइट ऑप्शन मिलेगा, तो इसे सेलेक्ट करना। ठीक है, देन डन करते तो ये देख सकते हो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, मीन्स फोटो में जो करना था हमने सारा चीज यहाँ पे कर लिया। ओके, तो सबसे पहले पीआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे, देन वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फोटोज के ऊपर हम आएंगे और सिंपली से आपको एक पीएनजी डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, शैडो वाला पीएनजी होगा तो उसे आपको डाउनलोड करना है। देन मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फाइल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से डाउनलोडेड है एंड यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं टैप करके ये पीएनजी को ऐड कर लूंगा। देख सकते हो ये पीएनजी ऐड हो गया। अब इसे हम थोड़ा इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे, साइज को बड़ा कर देंगे एंड इसे नीचे में रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर में रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी नीचे में रिक्वायरमेंट है तो नीचे में रख दिया। देन इसे पूरा स्क्रीन में हम पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। देन यहाँ पे आपको सेकेंड पीएनजी की रिक्वायरमेंट होगी जिसका अगेन डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसके ऊपर टैप करते, वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करते, फिर से फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये वाला पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पीएनजी ऐड हो गया। अब इसे पूरा स्क्रीन में फिल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो ये फिल हो गया। अब यहाँ देख सकते हो हमारा जो 80% काम है वो हो चुका है। ओके, अब हमें यहाँ पे अपना जो भी लिरिक्स है उसे लिखना है या फिर ये बोलो जो डायलॉग उसे लिखना है, बट यार वीएन एडिटर में लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए हम सिंपली से क्या करेंगे, पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे टैप करेंगे 3 डॉट के ऊपर, साइज के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे भी हम 4:5 ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 4:5 सेलेक्ट करके ओके करेंगे एंड ये वाला टेक्स्ट को डिलीट कर देते, देन यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते, फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपका डायलॉग है उसे आपको लिखना, बट मैं तो कॉपी करके रखा हूँ, स्वयर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते। ठीक है, मीन्स 2 लाइन में इसे कन्वर्ट हम कर देते। अब यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद इसके ऊपर मैं टैप करूंगा एंड इसे थोड़ा सा मिडिल में रखने का मैं कोशिश करूंगा तो काफी अच्छा लगेगा। देन डन के ऊपर क्लिक करते तो देख सकते हो कुछ ऐसा बन गया। इसका जो कलर होगा उसे आपको कुछ नहीं करना, व्हाइट ही रखना, बट फिर भी हम व्हाइट को सेलेक्ट एक बार कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ लाएंगे एंड इसमें आपको जो वर्ड आपको हाईलाइटिंग लगते हैं ना, कलर पे आप आना एंड उसे सेलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे क्या हाईलाइटिंग लग रहा है, हजारों। ठीक है, तो हम हजारों के ऊपर टैप करेंगे, मीन्स सेलेक्ट करेंगे एंड येलो को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद तुमसे थोड़ा हाईलाइटिंग वर्ड है तो हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं एंड इसे तुमसे सेलेक्ट करते एंड ये वाला कलर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। देन उसके बाद स्क्रॉल करना है, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको ये बेसिक फॉन्ट मिलेगा, इसे सेलेक्ट करके डन कर देना है। ठीक है, इतना काम करना होगा। देन उसके बाद इसे आप नीचे में एडजस्ट कर लेना, तो नीचे में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिला होगा ये वाला, इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना, फिर नीचे के ऊपर क्लिक करना एंड पोजिशन पे आके इसे आपको थोड़ा ऊपर कर लेना, क्योंकि नीचे में अपना लोगो ये सब या फिर नाम लिखेंगे, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते
एडिट के ऊपर क्लिक कर दे एंड यहाँ पे अपना नेम लिख लेते, तो मैं अपना सिंपल सा नेम सुधांशु लिख लेता हूँ एंड इसके आगे पीछे कुछ इस तरीके का अगर मैं साइन दे दूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये वाला आप भी दे सकते हो। देन उसके बाद इसे बोल्ड कर देता हूँ, मीन से सभी को अप एंड डन। देन उसके बाद इसे नीचे में फिक्स करता हूँ एंड यहाँ पे कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ आपको एक रोबोटो कंडेंस मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना एंड इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो इसे भी अच्छा से एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर टैप करके यहाँ टैप कर दो, बीच में एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना है, सेव वाले के बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इमेज को कस्टम से यहाँ पर अल्ट्रा में करना होगा, सेव टू गैलरी करना है, तो ये आपका इमेज सेव हो जाएगा। देन वीएनएडिटर को ओपन करना है, पीआईपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फोटो पे आना है एंड ये वाला पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पीएनजी हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसे थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद इसका ड्यूरेशन पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो हमारा जो सारा काम है वो हो चुका है, बस म्यूजिक नहीं ऐड हुआ है। अब म्यूजिक भी ऐड कर ही लेंगे, कितना ही मुश्किल होगा म्यूजिक ऐड करना। ठीक है, म्यूजिक ऐड करने के लिए बहुत ही आसान है, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करेंगे, डन के ऊपर टैप करेंगे एंड लो भाई स्टेटस बन के रेडी हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप ये स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट हो जाए देन एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करना एंड अगेन क्रिएट हो जाए तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।